अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद। हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उसकी टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ये जितने भी टास्क होते हैं उनको बड़े स्मूथली आपके पास ये रन करता है, और जितने भी यूजर्स होते हैं वो सीपीयू का टाइम गेट करते हैं, जैसे ही कि वो लाइक दे आर यूजिंग अ सिंगल सिस्टम। सो दैट्स वाई क्या होता है, इसको हम मल्टी टास्किंग सिस्टम भी कहते हैं कि एक वक्त में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो डिफरेंट टास्क होते हैं दे कैन बी फ्रॉम द सिंगल यूजर और फ्रॉम द डिफरेंट यूजर। ये डिपेंड नहीं करता कि वो सारे के सारे काम एक ही यूजर के हैं या डिफरेंट यूजर्स के हैं, लेकिन क्या होता है कि वो सारे के सारे काम जो होते हैं वो पैरेलली कंप्यूटर के ऊपर रन हो रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वन बाय वन सारे को एक इक्वल टाइम इंटरवल देता है, और उस टाइम को हम क्वांटम कहते हैं। हर एक जितना भी टास्क होते हैं, चाहे उसको जितना मर्जी टाइम चाहिए, वो उसको इक्वली टाइम देता है। 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड करके सभी को डिवाइड कर देता है। लेकिन मैं ये ज़्यादा बता रहा हूँ, कंप्यूटर बहुत फास्ट काम कर रहा होता है, वो एक सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस और डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसने एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल डिसाइड किया होता है कि वो थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल हर एक टास्क को दे रहा होता है, और उसके अंदर जो सीपीयू और रैम और मेमोरी ये सारी चीज़ें होती हैं वो इक्वली सारों को थोड़ा थोड़ा उसको डिवाइड करके सारों को दे रहा होता है, ताकि हर एक जो टास्क है उसको सीपीयू और मेमोरी का टाइम मिलता रहे, कोई भी चीज़ वेटिंग लिस्ट में ना रहे। इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, जिसके अंदर मल्टिक्स आता है, यूनिक्स आता है, और इस तरह के और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आते हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो आप ये देखें कि वर्ड है, ईमेल है, ब्राउजर है, इस तरह के डिफरेंट एक्शंस एट अ टाइम हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे टास्क जो होते हैं ये, और ये जो एक्शंस होते हैं और जितने भी ये प्रोसेसेस होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम उनको एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में सीपीयू को हैंड ओवर करता है, और सीपीयू के पास वो सारे जितने भी हैं टास्क हैं वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में चले जाते हैं, और सीपीयू जो है इक्वली क्वांटम एवरी टास्क को वो दे रहा होता है, सारों को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे रहा होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो जितने भी टास्क होते हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक को, मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मिलेगा सारों को रन होने के लिए। लेकिन ये हर एक टास्क का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो डिफरेंट होता है, लेकिन सारों को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है। तो जस्ट लाइक अ क्यू, कि आप एक बारी में सारे लोग क्यू में लगते हैं, वो एक जितनी ही चीज़ सारों को मिलती है, किसी को ज़्यादा चाहिए तो वो दोबारा क्यू में आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जो टास्क होता है उसका एग्जीक्यूशन टाइम अगर अभी कुछ रहता है तो वो दोबारा से क्यू में आता है, और घूमने के बाद वो दोबारा उसी एक सर्कल के अंदर वो घूमते रहते हैं, और जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम्प्लीट हो जाता है वो वाला टास्क क्यू से निकल जाता है, बाकी सारे के सारे टास्क जो हैं वो क्यू के अंदर रहते हैं। तो हर एक टास्क को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मिलता है, मीन सारों को इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, और सॉफ्टवेयर्स के डुप्लीकेशन के लेस चांसेस होते हैं इसके अंदर। और मेन थिंग इज दैट के जो सीपीयू होता है उसका आइडल टाइम इसके अंदर रिड्यूस कर दिया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि सीपीयू जो होता है उसको वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ता है, वो वेट करता है, उसको फ्री बैठना पड़ता है, तो टाइम वेस्टेज होती है। तो टाइम शेयरिंग ओएस के अंदर क्या होता है कि उसका जो आइडल टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है और उसको वेट नहीं करना पड़ता। जहाँ पर इसके एडवांटेजेस हैं, ऑब्वियसली इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है रिलायबिलिटी प्रॉब्लम, कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतना रिलायबल नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जो सिक्योरिटी और जो डेटा की इंटेग्रिटी होती है उसके प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको देखने पड़ सकते हैं। और तीसरा डिसएडवांटेज अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या हो सकता है कि डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा भी इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन अभी हमने चंद एक को डिस्कस किया है, और आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप फेसबुक या कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।